वेलकम, मेरा नाम है आकिब खान, आप सभी का स्वागत है वीरल बयानी में। आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं उनसे मैं पहला सवाल मेरा यही होगा कि आप लेकिन सदाबहार इतने खूबसूरत रहने का राज क्या है, लाइक कैसे कैसे आप ये मैनेज कर रहे हैं? आई थिंक ये मेरे जीन्स का कमाल है, नॉट जीन्स बट मेरे पेरेंट्स के जीन्स का कमाल है। सो और मैं तो नहीं मानता हूँ अपने आप को खूबसूरत, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द कॉम्प्लीमेंट। मैं जब आपको पहली बार देखा था, मेरे ख्याल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 से 6 साल हो गए। करेक्ट, आई थिंक व्हेन आई वाज डूइंग सिलसिला। तो 6 साल में टचवुड कुछ भी नहीं बदला है। देखो बस यही चेहरा जो है हमें यू नो चलाना है, तो इसको तो ठीक रखना ही पड़ेगा काम करने के लिए। सो और प्लस भगवान का आशीर्वाद भी है। और क्या होता है ना, एक माइंडसेट होता है आपका, अगर आप एक वो माइंडसेट ले लो ना कि हाँ भाई सब कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में और अभी तो बस सिर्फ कमाना है और नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, तो एक आप एक थोड़ा सा ऑटोमेटिकली लाला राम टाइप बन जाते हो एकदम, ऐसे पेट निकाल के और सब लूज छोड़ देते हो अपने आप को। बट when you are in this field, so automatically you have to take care of yourself, of your body and everything. So वो maintenance की वजह से आप automatically you start reverse aging. अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से सब में रहनी चाहिए, जो मैंने नोटिस किया है कि डाउन टू अर्थ, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। कुछ नहीं बदला, मतलब बहुत आपने काम किया, लेकिन वो जो डाउन टू अर्थ एक रहता ना इंसान, वो चीज़ आपकी अभी भी वैसे ही बरकरार है, इसका रीज़न पता नहीं, आई थिंक आई एम एन अर्थ साइन, मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम ग्राउंडेड। और प्लस ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेज हुए हैं जहाँ पे मैंने उड़ने की कोशिश की और फिर भगवान छाटा मार देते हैं, बोलते हैं कि चलो लाइन पे आ जाओ। सो दैट कीप्स यू हम्बल ऑल्सो, इंडस्ट्री एक्चुअली कीप्स यू हम्बल। सो और हम्बल होना ज़रूरी भी है, अगर आप किसी के साथ काइंड हो तो सामने वाला हमेशा आपको दुआई देगा। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में खास करके। कुंडली कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए? कुंडली आई वॉज़ वेरी एक्चुअली स्केप्टिकल कि मुझे कुंडली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5 साल हो चुके थे शो को, प्लस मुझे भी वापस इंडस्ट्री में आना था, काम करना था। आई ट्राइड अ लॉट फॉर OTT एंड अदर मीडियम्स, पर मुझे वहाँ पे ऐसा कोई रोल किरदार नहीं मिल रहा था जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि हाँ यू नो दिस इज़ द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू। सो मैंने वहाँ पर बहुत रोल्स रिजेक्ट किए। एट द सेम टाइम आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ टीवी ऑफर्स, लेकिन टीवी भी मैं लेफ्ट राइट सेंटर मना कर रहा था। सडनली आई रियलाइज दैट कि मैं बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ और मैं आउट ऑफ द सर्किट हूँ फॉर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे वापस यू नो आई शुड बी बैक इन द गेम। सो व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, ऑफकोर्स द फर्स्ट थिंग वॉज दैट इट वॉज बालाजी, इट वॉज होम, एंड जो रोल था वो बहुत मीटी था मेरे लिए इस बार। हो सकता है पहले वाला नहीं हो या हुआ भी होगा, लेकिन इस बार बहुत मीटी रोल था, तो आई थॉट कि लेट्स डू इट, भले 5 साल हो चुके हैं। एक रिस्क है कि अगर नहीं चला तो फिर लोग बदनाम करेंगे कि भैया देखो इतने टाइम के बाद आया और काम भी नहीं चल रहा है इसका, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस चल गया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, और मतलब हम लोग हमेशा मोस्टली टॉप 5 टॉप 10 में रहते हैं। सो इट्स बाय गॉड्स ग्रेस इट्स डूइंग वेल, पर अब मेरे निकलने की बारी आ चुकी है, तो मैं अब छोड़ भी रहा हूँ। अच्छा, ये छोड़ भी रहा हूँ मतलब ये सही सुना मैंने? हाँ सही सुना। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मतलब करण और प्रीता जो मेन जो कैरेक्टर्स हैं शो के, उनके साथ ऑलरेडी बहुत कुछ सारे चीज़ें सब अप्स एंड डाउन्स दिखा चुके हैं उन लोग लाइफ में। सो देयर वाज नथिंग न्यू टू शो नाउ, ऑल्दो रोमांस बचा हुआ था जो मैं जब से आया था अपने रोमांस बचा हुआ था, तो वो भी हमने थोड़ा पार्ट दिखा दिया। सो नाउ दे वॉन्ट टू स्टार्ट विद अ न्यू जनरेशन, बट एज एन एक्टर मेरे लिए रोल बहुत मीठी था, क्योंकि शुरुआत में मैंने एक ब्रूडिंग मेलनकॉलिक और एंग्री यंग मैन का रोल प्ले किया, जो मुझे बहुत मज़ा आया प्ले करके, और है पॉजिटिव लेकिन वो बदला लेने के लिए निकला हुआ है, लेकिन बाद में फिर वो अगेन एकदम पॉजिटिव एकदम बबली चर्पी हो जाता है, तो एकदम कॉन्ट्रास्ट रोल मुझे इमीडिएटली करना पड़ा आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ बीइंग इन द शो। सो टू कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम आई वाज गेटिंग टू प्ले, तो मेरे लिए बहुत ही सोने पे सुहागा था। टेलीविजन पर ऐसे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सो इट वॉज वेरी एन्जॉइंग थ्रिल एन्जॉइंग राइड फॉर मी। और बस सब कुछ निचोड़ लिया मैंने शो से, उन्होंने भी शायद निचोड़ ही लिया होगा, इसके लिए आई थिंक इट्स फॉर मी इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड कैच अप समथिंग बेटर। शक्ति, सब कुछ रहने के बाद भी आपको नहीं लगता है कि इस रेस में, टेलीविजन के रेस में आपको अभी भी, आप नो डाउट आगे ही हैं, लेकिन आपको और कहीं निकल जाना चाहिए था? हाँ यार, ये तो मैंने बहुत बार सोचा है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने टीवी में थोड़ा बहुत मुकाम बना लिया, मुझे लगता है कि मैं OTT ये सब सीरीज़ वगैरह में भी काफ़ी बेहतरीन काम कर सकता हूँ, और वो अंदर मेरे अंदर फायर भी है करने के लिए। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, जैसे ही यू नो मौका मिलेगा मैं बस हथौड़ा मारूंगा। अच्छा, मेरे पीछे कुछ एक स्पेशल चीज़ दिख रहा है, ये बहुत ही बड़ा डिजिट है ये।
3 मिलियन ये बस ऑडियंस का प्यार है जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और बढ़ते ही रहना चाहिए। तो ये जब 3 मिलियन हुए थे तब मेरे स्टाफ, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने ये मेरे लिए लेकर आया था, केक लेकर आया था सेलिब्रेट करने के लिए। सो दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम। वो हमेशा मेरी छोटी छोटी विक्ट्रीज जो हैं वो सेलिब्रेट करता रहता है। एंड थैंक्स टू द फैंडम एंड द फैमिली दैट आई हैव ऑन माय सोशल मीडिया। मैं उनको फैंस नहीं बुलाता, मैं उनको वेल विशर्स बुलाता हूँ, क्योंकि वेल विशर मुझे एक बहुत अच्छा टर्म लगता है रादर देन यू नो अ फैन, बिकॉज दे आर विशिंग वेल फॉर यू। सो या सो दीज आर ऑल माय वेल विशर्स। अच्छा, सेट को कहते हैं ना, एक्टर के लिए सेट सेकंड होम होता है। घर के बाद ये एक दूसरा घर होता है। आपने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया था। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि पिलो का भी कलर सेम ये है, क्यों ऐसा? ये एक्चुअली जब मैं आया था तो रूम बहुत ही थोड़ा सा हॉन्टिंग टाइप था, तो मुझे उसकी फील अच्छी नहीं आ रही थी। और ऑब्वियसली अब सारा टाइम आपको यहीं रहना पड़ता है, तो फिर मैंने सोचा इसको थोड़ा सा सजाया जाए। प्रोडक्शन से मैंने बात की, उनको भी लगा कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ी बहुत टीआरपी आ रही है, इसको दे देते हैं ढंग का रूम। और वैनिटीज़ मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि उसमें फ्रेश पानी नहीं होता, तो यहाँ पे यू नो पर्सनल वॉशरूम होता है। सो इट्स अ रूम, घर जैसी फीलिंग आती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ आप काम भी कर रहे हैं, घर पे भी हैं, अपने स्पेस में भी हैं। सो आई नीड माय ओन स्पेस, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको, मुझे स्ट्राइप्स बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़े से ये स्ट्राइप्स लगवा दिए। इट लुक्स लिटिल ब्राइटर एंड बेटर। सो थोड़ा बहुत उसको डिज़ाइन कर दिया। ये एक्चुअली लाल सोफा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लीन रहने के लिए मैंने उसको कपड़ा लगा कर रखा हुआ उसके ऊपर। मिस करेंगे इसको? डेफिनेटली मिस करूंगा। और मुझे एक्चुअली बहुत दुख भी हो रहा है कि पता नहीं अभी कौन यूज़ करेगा ये रूम, क्योंकि ये मेरा रूम है इतना टाइम से, यू नो 9 महीने से मैं इस रूम को यूज़ कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा दुख भी होगा, पर ठीक है, अब सबको मूव ऑन करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आगे की प्लानिंग कर ली है आपने, या फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे कहीं वेकेशन? अभी मैं बिल्कुल ब्रेक नहीं लूँगा, ना मुझे ब्रेक लेना पसंद है। मैंने कभी भी सोच समझ के ब्रेक नहीं लिया, डेलिब्रेट ब्रेक्स लिए, क्योंकि मुझे कुछ बेहतर करना था। लेकिन अब मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं यू नो आई हैव द लीजर टाइम कि हाँ मैं वेट करूँ, अगर जो मेरे पास आएगा सामने आई डू इट। एंड ऑलरेडी देर आर सम अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ मी ऑन माई लैप राइट नाउ, और जो बहुत जल्द मैं कुछ ना कुछ आई जंप ऑन टू। एनी चांस इन रियलिटी शो? नेवर से नेवर, बट आई एम नॉट वेरी मच कीन फॉर इट, क्योंकि मैंने झलक दिखलाजा कर लिया है, नच बलिए कर लिया है। तो ये दो शोज थे जहाँ पे मैं अपना टैलेंट दिखा सकता था एज अ डांसर, तो वो मैंने दिखा दिया। अभी जो बाकी के जो शोज हैं जहाँ पे आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी होती है, तो मुझे लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ एक्टिंग दिखाने के लिए, ना कि मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की है। तो मुझे उस पर्सनैलिटी को नहीं देखना कि मैं कितना गिर सकता हूँ, तो वो मुझे उसको बचा के रखना है, मेरी सैनिटी को। हाँ, होली ऑन द वे है। यस, सो क्या प्लान्स है होली के, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, और छुट्टी है कि नहीं? छुट्टी तो डेफिनेटली है, पर मैं पहले होली खेलता था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा होली अवॉइड करता हूँ बिकॉज ऑफ द कलर्स एंड यू नो इट हैम्पर्स योर स्किन एंड योर हेयर एंड एवरीथिंग। ऑल्दो यू कैन कॉल मी अ स्पॉइल स्पॉट, पर आई ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। ज़्यादा तो अपने फैंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप आज तक मुझे प्यार करते आए हैं, आप प्लीज़ आगे भी करते रहिए, मैं भी आपको इसी तरीके से एंटरटेन करता रहूँगा, और बहुत जल्द कुछ नए वेंचर मैं आपको दिखाई दूंगा। सो आपका प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू।